नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। राजनीति में पॉलिटिकल डेब्यू करने वाले रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। वजह है उपचुनाव में पीके के चार उम्मीदवार, जिनके चयन को लेकर खुद प्रशांत किशोर अब सवालों के घेरे में है। प्रशांत किशोर जिस क्राइम और एजुकेशन के मुद्दे पर आरजेडी पर लगातार हमलावर थे, आज देखिए कि आज पीके के चुने उम्मीदवारों पर वही सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जनसुराज के तीन उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड कितने हैं उनके बारे में, लेकिन आज वही सवाल उठने लगे हैं पीके के उम्मीदवारों के क्वालिफिकेशन पर। क्या आपको पता है कि तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बता बताकर कोसने वाले प्रशांत किशोर के खुद के उम्मीदवार कितने स्कॉलर हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि मंच से नौवीं फेल पर सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद उपचुनाव में दसवीं और बस बारहवीं पास उम्मीदवार ही उतारा है उपचुनाव में। और ये हम खुद से नहीं कह रहे, ये कह रहा है उनके उम्मीदवारों का ये पूरा पीडीएफ जो हम आपको दिखा रहे हैं। पीके के चार विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरे हैं और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक भी ग्रेजुएट प्रत्याशी उन्हें नहीं मिला। उनके सभी उम्मीदवार मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास हैं। देखिए लिस्ट, तरारी से उम्मीदवार किरण सिंह दसवीं पास हैं, इमामगंज से जितेंद्र पासवान बारहवीं पास हैं, रामगढ़ से सुशील कुशवाहा बारहवीं पास हैं, बेलागंज से उम्मीदवार मोहम्मद अमजद भी दसवीं पास हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जिस प्रत्याशी को लेकर के उठ रहे हैं वो है इमामगंज से जितेंद्र पासवान, जिनके डिग्री से लेकर के बयान तक पर सवाल ही सवाल है, या यूं कहे कि सवालों की बौछार है। जनाब बारहवीं पास है लेकिन पेशे से खुद को डॉक्टर बताते हैं, खुद को उन्होंने लिखा भी है। अब जीविका के कॉलम को अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है समाज सेवा और रजिस्टर्ड चिकित्सक के रूप में सेवा करने वाला दिखाया है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि वो इंटरमीडिएट किस साल में पास किए थे। पूछने पर कभी 1994 तो कभी 96 बता रहे हैं, लेकिन चुनावी हलफनामे पर इंटरमीडिएट 2013 लिख करके आए हैं। इंटरमीडिएट होकर ही वो डॉक्टर भी बन गए। अब जरा बताइए, मंच से पदयात्रा के दौरान पीके ने शिक्षा को लेकर के खूब बड़ी बड़ी बातें कही थी और कहा कि नौवीं फेल से आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा रोजगार देगा। बहुत बातें कही, एक भी मौका नहीं छोड़ा तेजस्वी के डिग्री पर सवाल उठाने का कि दो दो सीएम के बेटे होते हुए भी नहीं पढ़ पाए, और भी बहुत कुछ कहा। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार पीके ने दिए हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह से पीके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वो जो अपने भाषणों से कहते नजर आ रहे थे कि आपने वोट दिया सबको दिया, लेकिन सबने आपको सिर्फ मूर्ख बनाया। लेकिन फिलहाल पीके भी कहीं ना कहीं लगता है कि अब राजनेता बनते के साथ उसी राह पर चल पड़े हैं। ऐसा लग रहा है चुनावी पिच पर उतरते ही पीके हिट विकेट हो गए हैं। पढ़े लिखे युवाओं को मौका देने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर, जब अपनी पार्टी जनसुराज में कैंडिडेट उतारने का मौका मिला तो वो भी बिहार की राजनीतिक बयार में बहते नजर आए, जिस पर वो सवाल उठाते नजर आ रहे थे। पहले उम्मीदवार के चयन में देखिए कि जल्दबाजी दिखाई, फिर उम्मीदवार बदलने पड़े, उम्मीदवारों को लेकर के कला की वजह से कुर्सियां भी चली जो बाकी दलों में हो चुका है। पीके खुद को अलग बताते थे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब चार सीटों पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार उतरे तो पहले आपराधिक रिकॉर्ड पर सवाल उठने लगे, अब देखिए कि उनकी डिग्री सवालों के घेरे में है और साथ साथ प्रशांत किशोर भी। अब सवाल है कि राजनीति में बदलाव और शुचिता लाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को कितना बदल पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पूरे बिहार में पदयात्रा की, पदयात्रा करते हुए लोगों के बीच गए, मुलाकात किया, उसके बाद जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे तमाम नेता को, दल को, खास करके आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे थे, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर शिक्षा रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। शिक्षा पे खास करके वो जो चोट देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर जो उम्मीदवार उतारेंगे वो भी कोई बहुत ज्यादा शिक्षित उतारेंगे ताकि उन पर ये सवाल ना उठे। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही उपचुनाव में जो पहला प्रैक्टिकल मैच उनका शुरू हुआ, पहला ही देखिए कि प्रैक्टिकल मैच में किस तरीके से एक के बाद एक बाधाएं जो है उनके सामने आई और एक के बाद एक चीजें जो है वो सामने आई, तो प्रशांत किशोर भी अब कहीं ना कहीं उन्हीं नेताओं और उन्हीं दलों की लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि प्रशांत किशोर कैसे जो वादा और दावा करते नजर आते थे कैसे उस पर खड़ा उतरते हैं, और आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ करेंगे, प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता को कितना भरोसा है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।